गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज हम चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है उसका थर्ड पार्ट यहाँ पर करेंगे। और अभी तक के हमारे जो दो लेक्चर्स रहे उसमें हम चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से उन्होंने अपनी यात्रा के एक्सपीरियंस को एक पुस्तक के रूप में लिखा और उसी के आधार पर उन्होंने ये डार्विन का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किया। तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से इस सिद्धांत के लिए उन्होंने अपनी मान्यताएं बताई, कि कौन कौन सी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बताई जिसमें जीवों की प्रजनन क्षमता, उनकी शारीरिक संरचना, उनका संघर्ष, उनकी संख्या, उनका रूप परिवर्तन, ये सब चीजों के बारे में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। आज हम ये देखेंगे कि डार्विन ने जो अपनी बातें कही उनके लिए क्या क्या साक्ष्य हमारे सामने हैं। अगर हम डार्विन के सिद्धांत को देखते हैं तो ये देखते हैं कि प्रारंभ से ही उसे बहुत समर्थन प्राप्त हुआ। और ये समर्थन उनको क्यों मिला? क्योंकि ये जो सिद्धांत दिया गया ये बहुत साधारण रूप से प्रस्तुत किया गया, बहुत टेक्निकल बातें इसमें नहीं कही गई। और क्योंकि ये एक्सपीरियंस के आधार पर दिया गया था इसलिए इसमें हमें सत्यता का अंश ज्यादा नजर आया। एक आम आदमी भी इसको समझ सकता है। और अगर हम इसके साक्ष्यों की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि पुराने समय में पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे, परंतु इनकी संख्या अधिक होने के कारण, संख्या अधिक से क्या आशय है? जब उनके लिए भोजन की कमी हो, उनमें संघर्ष ज्यादा बढ़ जाए और वातावरण भी उनके लिए एडवर्स हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? कई बड़े बड़े जीव जो थे वो नष्ट हो गए, जिसमें हम मोटे तौर पे जो एग्जाम्पल लेते हैं, जो हम डार्विन का एग्जाम्पल लेते हैं कि इतना बड़ा जीव भी इस पृथ्वी से किसी कारण से विलुप्त हो गया। और कई जीव ऐसे होते हैं जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वयं में थोड़े बहुत परिवर्तन कर लेते हैं, और इन परिवर्तनों का रिजल्ट क्या होता है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब होते हैं और उनका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। अतः डार्विन का ये तथ्य बिल्कुल सही प्रतीक होता है कि जो जीव प्रकृति से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं वो निरंतर ही विकसित होते रहते हैं, और जो जीव इस संघर्ष का सामना नहीं कर पाते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो डार्विन की ये मान्यता जो है वो हमें काफी हद तक सही प्रतीक होती है। दूसरी बात, मानव ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कृत्रिम वरण के द्वारा बहुत सारे जीवों को पालतू बना लिया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। हम पृथ्वी का इतिहास देखें तो ये देखें कि मानव ने अपनी रुचि के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए कुछ जीवों का डोमेस्टिकेशन कर लिया था, घरेलूकरण कर लिया था। इसका क्या आशय है? कि वो उनको पालतू रूप में अपने साथ रखता था। तो इस संबंध में डार्विन ने कहा है कि वातावरण के लिए जो जीव अपनी उपयोगिता बनाए रखते हैं वो अधिक विकसित होते हैं। अगर आप मानव समाज में भी देखेंगे, अगर आपकी उपयोगिता समाज के लिए है तो आप बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। और अगर आप समाज के लिए इररेलेवेंट हैं तो कोई आप पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो यही वाली जो सिचुएशन है ये जीवों में भी सामने आती है कि कुछ जीव जो थे वो इस प्रकार के थे कि मानव ने उनका डोमेस्टिकेशन किया उनकी उपयोगिता के आधार पर, और डोमेस्टिकेशन से क्या आशय है कि उनको और अधिक रहने के लिए सुगमता मिल गई। उनके किसी गुण की वजह से उन्हें इस वातावरण में कुछ सुगमताएं मिल गई और इस वजह से वो जीव अपनी उपयोगिता बनाते हुए विकसित हो गए। तो डार्विन का ये तथ्य भी हमें बिल्कुल सही प्रतीक होता है। उसके बाद डार्विन ने बताया था कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जीव अपनी शारीरिक संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस पृथ्वी के इतिहास के अध्ययन में आपको मिलेंगे, जब आपको ये पता लगेगा कि इस प्रकार की घटनाएं कई बार हमारी
पारिस्थितिक तंत्र में देखने को मिलती है। और ये भी कहा डार्विन ने कि जीव अपने नकारात्मक गुणों को या नकारात्मक अंगों को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि अपने जीवन के संघर्ष के क्रम में कुछ जीव अपनी शारीरिक संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं। क्यों परिवर्तन कर लेते हैं? क्योंकि उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, उनकी जीवन को सुगम बनाने के लिए ये परिवर्तन अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब इसमें हम एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ऐसा माना जाता है कि घोड़े के पैर में पहले 4 उंगलियां थी और इस वजह से उसको दौड़ने में थोड़ी परेशानी आती थी या उसकी इतनी ज्यादा स्पीड नहीं थी। उंगलियां इस प्रकार से आपस में जुड़ जाती थी कि वो बहुत तेजी से नहीं भाग पाता था। फिर धीरे धीरे उसमें उसके रूप में परिवर्तन आया, या हम डार्विन की भाषा में बात करें तो हम ये कहें कि उसका ये जो नकारात्मक गुण था, इस नकारात्मक गुण में कुछ चेंज आया और उसका क्या रिजल्ट हुआ कि अब घोड़े के पैर में 4 की जगह 3 उंगलियां रह गई। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि पहले जो हाथी था उसके सूंड नहीं थी, उसके शरीर के आकार का आकार बड़ा था, उसके भोजन की आवश्यकता अधिक थी, तो ऐसे में उसके लिए भोजन करना में काफी समस्या आती थी। तो धीरे धीरे उसके रूप में परिवर्तन आया, या हम ये कहें डार्विन की भाषा में कि वो और उत्कृष्ट रूप में परिवर्तित हुआ और उसके उसके शरीर में ये सूंड पैदा हो गई, सूंड आ गई, और इसका जो उसकी ट्रंक है उसके उससे क्या है, भोजन करना उसके लिए बहुत सुगम हो गया। तो एक ये पॉजिटिव चेंज उसके शरीर में आया और इस चेंज के आने से क्या हुआ कि उसके भोजन की आवश्यकता वो स्वयं इजीली पूरी करने लगा। तो ये एक पॉजिटिविटी आ गई उसके शरीर में और इस पॉजिटिविटी के आने से क्या बात आई सामने कि वो जीवन उसके लिए सुगम हो गया। तो डार्विन ने मोटे तौर पर जो बातें बताई उसके उसके लिए हमें ये साक्ष्य, एक तरह से हम ये कहेंगे उसके ये साक्ष्य हमारे सामने आए और इस आधार पे उनका जो सिद्धांत था वो और भी मजबूती से हमारे सामने आया और हम उसको इजीली समझ पाए। परंतु ऐसा नहीं था कि डार्विन की आलोचना नहीं हुई। डार्विन ने जब अपना ये अध्ययन और सिद्धांत दिया तो बहुत सारे डार्विनवादी विद्वान उनके साथ थे, जिसमें हम अगर अल्फ्रेड रसल वैलेस का नाम लें, थॉमस हेनरी का नाम लें या हर्बर्ट स्पेंसर का नाम लें। ये वो विद्वान थे जो डार्विनिज्म को के फॉलोअर्स थे और वो डार्विन के सिद्धांत के लिए उन्होंने आगे जाके बहुत कुछ किया। तो पहले जब इनकी आलोचना की बात आई तो डार्विन की किन मुद्दों पर आलोचना की गई, उसमें पहली बात हम ये कहते हैं कि डार्विन ने कहा कि किसी भी अंग विशेष के विकास की प्रारंभिक अवस्था में स्पष्ट नहीं किया। डार्विन ने ये कहीं नहीं बताया कि कौन सा अंग या किस प्रकार से हम ये चीज डिसाइड कर पाए कि भाई ये चीज नेगेटिव है, ये चीज नकारात्मक है। अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो वैज्ञानिकों ने कहा कि चार्ल्स डार्विन ने लिंग चयनवाद को गलत ठहराया। उन्होंने विद्वानों का ये मानना था कि ये संभव नहीं है कि सिर्फ नकारात्मक गुणों का नाश हो। अब आप सोच के देखिए, अगर हम में से सारी नेगेटिविटी निकलती जाएगी तो मानव इतना परिष्कृत हो जाएगा कि उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, उसका जो शरीर है वो बिल्कुल एक आदर्श स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, डार्विन ने जो शारीरिक बदलाव की बात की उसमें दो चीजें आती है। एक तो रूप परिवर्तन होता है जो ऊपर से होता है, और दूसरा जेनेटिक बदलाव होते हैं जो उसकी शरीर के अंदर की रचना में होते हैं। तो ये डार्विन के अनुसार दोनों ही प्रकार की विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं।
जबकि ये सब जो चेंजेस होते हैं ये कोई 100% इस तरह से नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इस वाले बिंदु पर भी उनकी आलोचना की गई। तीसरा, डार्विन का प्राकृतिक वरण का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को तो बताता है कि जो वातावरण से संघर्ष कर सकता है, या जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तो उन्होंने व्याख्या की, परंतु ओरिजिन ऑफ फिटेस्ट की व्याख्या उन्होंने अपने सिद्धांत में नहीं की, जबकि इस चीज को भी उनको डिस्कस करना चाहिए था। उसके बाद डार्विन ने ये जो परिवर्तन होते हैं या लक्षण होते हैं इसमें कोई समय सीमा का जिक्र नहीं किया। मतलब उन्होंने अपने सिद्धांत को बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए, बहुत साधारण रूप से सामने रखने के लिए इस प्रकार से किसी भी समय वाली चीज का जिक्र नहीं किया, और जिससे हम एक मोटे तौर पे तो अंदाजा लगा सकते हैं, परंतु ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कब तक कितने समय में ये सारे परिवर्तन होंगे। तो ये वाली जो एक बात थी वो इनके लिए एक नेगेटिव सा बन गया कि भी हमने इस चीज इन इन चीजों को, जो मेन मुद्दे थे, इनको हमने इसमें डिस्कस ही नहीं किया। और कई इस प्रकार के उदाहरण भी देखने को मिले, जैसे ये कहा जाता है कि हम ये मानते हैं कि कुछ प्रजातियों में नेगेटिव चीजें नष्ट हो जाती हैं, परंतु ये जो नेगेटिव चीजें नष्ट होती हैं ये जरूरी नहीं है नेगेटिव चीजें ही उनके शरीर से हटे। ये कहते हैं कि आयरस हिरण होता था जिसके बहुत बड़े सींग होते थे, परंतु प्राकृतिक तौर पर वो सींग धीरे धीरे खत्म हुए। उन सींगों के नहीं होने की वजह से, और ये मतलब सींगों की जो एब्सेंस थी वही उनकी मौत का कारण बन गई और वो जीव विलुप्त हो गए। तो मतलब जो उनका एक शारीरिक बदलाव हुआ वो बदलाव नेगेटिव रहा और इस बदलाव की वजह से वो विलुप्त हो गए। मतलब ये जो बदलाव है ये हमेशा पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव भी हो सकता है, ये डार्विन ने अपने सिद्धांत में नहीं बताया था। फिर हमने ये माना कि वंशानुगत लक्षण होते हैं और उनमें किस प्रकार का एक बैलेंस रहता है, किस प्रकार का उनमें कैसे चेंज आता है, ये चेंज जो होता है वो कितने समय में आता है, तो इसका भी इन्होंने कोई व्याख्या नहीं की। तो ये जो मेन मेन जो चार पांच पॉइंट्स थे इस पे डार्विन की आलोचना की गई, और ये जो डार्विन की आलोचना की गई इसको लेकर जो डार्विनवादी विद्वान थे उन्होंने सिद्धांत को खत्म नहीं होने दिया, उन्होंने खत्म नहीं होने दिया और उन्होंने नव डार्विनवाद की रचना की। नव डार्विनवाद क्या है? डार्विन के सिद्धांत में जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए नव डार्विनवाद की रचना की गई, और उन्होंने ये बताया कि इस नव डार्विनवाद में पुरानी कमियों को उन्होंने दूर किया। तो वैसे तो डार्विन के सिद्धांत को पर्याप्त समर्थन मिला था, परंतु फिर भी जो उनकी कमियां सामने आई और उन कमियों को पूरा करने के लिए उनके जो डार्विनवादी विद्वान थे उन्होंने नव डार्विनवाद की की रचना की, जिसमें मेंडल का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। ब्रिजमैन और मेंडल जो थे इन्होंने कोशिका विज्ञान और अनुवांशिक विज्ञान के बारे में अपना अध्ययन किया था, और उन्होंने सन 1900 के लगभग मेंडल के कार्यों के लिए उनको मान्यता भी मिली थी, और ब्रिजमैन और मेंडल ने डार्विनवाद में एक अपना बहुत सहयोग दिया था। 1898 में जर्मन विद्वान मेंडल ने डार्विन के सिद्धांत की कमियों को देखा और उन्होंने सुधार करते हुए इस न्यू डार्विनिज्म या नव डार्विनवाद की रचना की, जो उनके अनुसार आनुवांशिक लक्षणों के लिए जनन द्रव्य जेनेटिक जो होता है मुख्य कसौटी है। इसके अंतर्गत लैमार्क ने वंशानुगत गुणों के उद्गम का अध्ययन किया और जीन्स में परिवर्तन के सिद्धांत पर अपने विचार देते हुए ये बताया कि साधारण परिवर्तनों के कारण नए जीन्स बनते हैं, एक म्यूटेशन हो जाता है हमारी बॉडी में, एक बदलाव होने लगता है,
और उस बदलाव से क्या होता है कि नए जीन्स बनते हैं जिसके परिणाम स्वरूप विविधताएं और अधिक बढ़ जाती हैं। और इन्हीं परिवर्तनों को उन्होंने म्यूटेशन कहा था। और जीन्स में हुए ऐसे परिवर्तनों के कारण जंतुओं के लक्षणों में परिवर्तन होता है। वस्तुतः यह वंशानुगत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, प्राकृतिक वरण के द्वारा होता है। इस प्रकार डार्विन के मुख्य सिद्धांत में कुछ परिवर्तन करते हुए आनुवंशिक गुणों और जीवों की विविधताओं की समस्या को सुलझा दिया गया और इसको नव डार्विनवाद कहा गया। तो ये जो नव डार्विनवाद है बेसिकली क्या था कि डार्विन की सिद्धांत की जिन पॉइंट्स पे आलोचना हुई थी उस आलोचनाओं को कम करने के लिए, आलोचनाओं को खत्म करने के लिए जीन म्यूटेशन की बात की गई और गुणसूत्रों की संरचना और संख्या में परिवर्तन की बात की और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात की, क्योंकि उसके द्वारा ही जीवों में जेनेटिक परिवर्तन संभव है। अब हम बात करते हैं कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है इसके लिए क्या किया कि प्राकृतिक वरण द्वारा लाभदायक नए जीन संयोग वाले जीव वातावरण में अपने आप को अधिक मतलब अनुकूलित हो पाए, अलग अच्छी तरह से उसमें रह पाए, अलग अधिक अडॉप्ट कर पाए। और उसकी वजह से क्या है कि उनका जीवन जो था, उनका जो लाइफ स्पैन था वो लाइफ स्पैन बढ़ा और उसका क्या रिजल्ट आया कि वो जीव जो है वो अपनी संख्या और क्षेत्र को बढ़ाने में कामयाब हुए। तो आप ये देखिए कि हमने ये जो डार्विन का सिद्धांत पढ़ा इसमें पढ़ा कि डार्विन ने सबसे पहले कौन से पॉइंट्स के आधार पे अपना सिद्धांत दिया, फिर कौन से साक्ष्य थे जिसके आधार पर हमने ये कहा कि डार्विन बिल्कुल सही थे, उसके बाद डार्विन की आलोचना की बात की कि किन किन पॉइंट्स पे डार्विन की आलोचना की गई, फिर उन आलोचनाओं को किस प्रकार से दूर कर नए डार्विनवाद की रचना की गई। तो ये जो आपका चैप्टर है आप इसे पढ़िए, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम में। और अगर आप गूगल पे देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपको और भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपका पूरा तैयार हो गया है, आप इसको अच्छे से लिख के तैयार कर लीजिए। थैंक यू।